कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्बास किल और आप देख रहे हैं अब्बास फूड फैक्ट्री। आज जनाब एक नई रेसिपी लेके आए हैं, वो है एक स्वीट डिश, बड़ी कमाल की और बहुत जल्दी रेडी होने वाली। और ये जनाब जिस तरह आगे ईद का त्यौहार आ रहा है, इस मौके पे बनाए, घर में मेहमान आ रहे हैं इस मौके पे बनाए, बच्चों को बना कर दे, और जो सिर्फ 15 मिनट में रेडी हो जाती है, बड़ी आसान चीज है। और वो चीजें जो आपको नॉर्मल घर में पड़ी होती हैं, उन चीजों से मैंने बनाई है। तो चलें जी फटाफट शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले रेडी करेंगे हम शीरा, और इसके लिए लिया मैंने 1 कप पानी, और ये जी मेरे पास 4 चम्मच चीनी, ये भी इसमें ऐड कर दूंगा, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको इतना पकाएंगे कि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसकी हमने तार नहीं बनानी है, इसका हमने शीरा बनाना है। चाशनी नहीं बनानी, शीरा बनाएंगे इसका। और देखें जी पानी में अच्छे से बॉयल होना शुरू हो गया है। और ये जी मेरे पास 1 चुटकी के करीब फूड कलर, बड़ा जबरदस्त कलर आ जाएगा, इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छे से हल कर लेंगे। गर्म पानी में खुद ब खुद ही हल हो जाता है ये, देखें जी। और कलर देखें कितना प्यारा बन गया हमारे शीरे का। और ये जनाब मेरे पास है जी केवड़ा एसेंस, 1/2 टीस्पून ये डाल देंगे। आप इसकी जगह पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, इलायची भी डाल सकते हैं। इसको कम से कम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। चीनी को थोड़ा सा गाढ़ा करना हमने, ताकि हमारा फूड कलर भी अच्छे से पक जाए इसमें। और इसको पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हुए हैं, ये देखें जी, ये देखें, इस तरह आपको फील होगा, इस तरीके से फील होगा कि थोड़ा थिक थिक है, तार नहीं है लेकिन थिक थिक है, इतना रखना हम लोगों ने। और मैं फ्लेम को करूंगा बंद, अब इसको उतार लेंगे। अब जी हमारा सेकंड स्टेप शुरू होता है, और ये है जी मेरे पास 700 ml दूध, जिसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। और ये मेरे पास जी 4 टेबलस्पून शुगर, इसमें मैं ऐड करूंगा, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और यहां पे लिया जी मैंने 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड, और ये जी मेरे पास दूध, इसको इसमें मिक्स कर लूंगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। देखें जनाब दूध को मैंने कस्टर्ड में डाल के अच्छे से हल कर लिया हुआ, ये देखें। और इधर दूध हमारा गर्म हो रहा है, और ये जनाब डाल देंगे नीम बन दूध में। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। नीम गर्म दूध में मैंने इसलिए डाला है कि जब तक हमारा दूध पकेगा तो जिसमें कस्टर्ड भी पक जाएगा। और आपने जनाब हाथ को रोकना नहीं है इस टाइम पे, आपने इसको हिलाते रहना है, अगर हाथ रोक देंगे तो गुठलियां बन जाएंगी। ये देखें जी कितना मजेदार सा कस्टर्ड तैयार हो रहा है, और बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है, ये देखें जी, ये देखें रेडी हो रहा है जबरदस्त। अगले तकरीबन 1 मिनट तक ये रेडी हो जाएगा। जी कस्टर्ड हमारा रेडी होने वाला है, और इसमें डाल दूंगा ये मेरे पास कुछ थोड़े से कटे हुए बादाम है, कुछ पिस्ता है, इनको मैं बारीक चॉप कर लिया हुआ है। बड़ा जबरदस्त फ्लेवर देंगे जनाब इस कस्टर्ड में, बहुत आला जबरदस्त। ले जी शीरा भी हमारा रेडी हो चुका था, और कस्टर्ड भी हमारा रेडी है, ये देखें। और इसमें जो तीसरी चीज ऐड करनी है वो है जी मेरे पास रस। क्या बात है जनाब, कितने खूबसूरत हैं। क्या करेंगे जी, सबसे पहले इन रस को इस बॉल में जोड़ेंगे, देखिएगा। आप रस स्लाइस में भी ले सकते हैं, गोल भी ले सकते हैं, इस शेप के भी ले सकते हैं, और रस के अलावा जनाब आप बिस्किट भी ले सकते हैं, बिस्किट से भी डेजर्ट बड़ा जबरदस्त सा बनता है, मैं बहुत जल्द शेयर करूंगा आपके साथ। ले जी इसमें अच्छे से जोड़ लेंगे इनको,
और रस लगाने के बाद ये हमारे पास जो शीरा है इसको जनाब अच्छे से लगा देंगे इसके ऊपर इस तरीके से। और शीरा आपका होना चाहिए जनाब नीम गरम, इस तरीके से जनाब रस के ऊपर लगा देंगे और ये खुद ही चूसता जाएगा शीरे को। बहुत जबरदस्त चीज है जनाब, बहुत जल्दी बनने वाली। नहीं जी, ये मैंने अच्छे से लगा दिया इसके ऊपर और अभी डालेंगे जिस पे कस्टर्ड। नहीं जनाब, कस्टर्ड और आपका जो शीरा है वो नीम गर्म होना चाहिए। देखिए इसमें धुआं उड़ा है, तो ये दोनों चीजें ही नीम गर्म होनी चाहिए, तो फिर ही जाके जनाब आपके जो ये रस है ये अच्छे से नरम हो जाएंगे और मजा आएगा आपको खाने में। और ये देखें जी, एक लेयर हमने लगा लिया और इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाएंगे रस की उसी तरीके से। ले जी, फिर इसके ऊपर शीरा लगाएंगे जितना हम लोगों ने पहले रस के ऊपर लगाया था इस तरीके से। और ये रस को जी सॉफ्ट करने का काम करेगा, जबरदस्त बड़ी कमाल की खुशबू आ रही है जनाब इसमें केवड़ा की। अब डालेंगे जिसके ऊपर कस्टर्ड। ये जनाब जो आपको बादाम और ये नजर आ रहे हैं ना पिस्ता, बड़ा मजा देंगे जब आपके मुंह में आएंगे। और इसको जो चम्मच की मदद से बराबर करेंगे। ले जनाब, जबरदस्त देखें जी, लुक चेक करें कितनी खूबसूरत है। और थोड़ा सा मैंने जनाब गार्निश के लिए पिस्ता और बादाम बचा लिया था, इससे थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे इसके ऊपर, खूबसूरत लगेगा। ले जी, मजेदार सी गार्निश कर लेते हैं ऊपर इस तरीके से। ले जबरदस्त किस्म का हमारा डेजर्ट तैयार हो गया, डेजर्ट हमारा रेडी है और इसको मैंने अच्छे से गार्निश कर लिया है। अब इसको जनाब प्लास्टिक शीट के साथ कवर करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए और ये खाने का मजा ही जनाब ठंडे में आता है। ये जनाब इसको मैंने शीट से कवर कर दिया अच्छे से यूं। नहीं जनाब, शीट लग चुकी है अच्छे से, एयर टाइट हो चुका है और इसको कम अज़ कम 4 से 5 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख लूँगा, फिर मज़ा आएगा ठंडा ठंडा डेजर्ट खाने का। नहीं जनाब, 4 घंटे हो चुके हुए हैं, अब इसको खोलते हैं। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, क्या बात है जनाब, ठंडा ठंडा। चले जी, इसको निकालते हैं इस चम्मच की मदद से। वाह जी वाह, क्या बात है जी, जबरदस्त। ये देखें, बहुत आला, मजेदार, यमी। तो ये जनाब देखिए कितना मजेदार लग रहा है और रस देखें जनाब कितने नरम हो चुके हुए हैं और कितने मजे से कटिंग हुई है इसकी, ये देखें जी। और खुशबू बहुत आला, यकीन माने कि आप बनाएंगे तो मजा आ जाएगा। और जनाब इतने मेहनत से बनाए, इतनी गर्मी में टेस्ट तो करना बनता है और इसको मैं जरूर टेस्ट करूंगा। क्या बात है, बड़ा कमाल का जनाब, और मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मैं फटाफट इसको सारा खा जाऊं। यकीन माने कि आप भी इसको सारा खाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इजाजत दें, आपको मिलता हूं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।